हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गांधी जी पर दमदार भाषण लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शुभ प्रभात आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आज के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कुछ शब्द रखने जा रही हूँ। ऐनक धोती और लाठी है जिसकी पहचान, वह है हमारे बापू महात्मा गांधी महान। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और वे बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष पूरे उत्साह के साथ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं और उनके हिम्मतपूर्ण कार्यों को याद करते हैं। वे सत्य और अहिंसा के पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हिंसा के पथ पर चलकर शांतिपूर्ण तरीके से भी आज़ादी पाई जा सकती है। गोपाल कृष्ण गोखले के साथ उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन वे आंदोलन हैं जो उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए चलाए थे। वे कई बार जेल गए लेकिन उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। उनका पूरा जीवन देशभक्ति, समर्पण, अहिंसा, सादगी और दृढ़ता का उदाहरण है। उनका कहना था, सादा जीवन उच्च विचार। उनके महान व्यक्तित्व के विषय में जितनी भी बात कही जाए कम है। बापू ने शहीद भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय आदि क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सत्य और अहिंसा को लेकर बापू के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते रहे हैं। उन्हीं के विचारों के सम्मान में 2 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी ने भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी बुराइयों के प्रति भी आवाज़ उठाई। वे चाहते थे कि ऐसा समाज बने जिसमें सभी लोगों को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो, क्योंकि सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया है। इस दिन नई दिल्ली के राजघाट पर उनके समाधि स्थल पर भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस दिन पवित्र धार्मिक किताबों से दोहा और प्रार्थना पढ़े जाते हैं, खास तौर से उनका प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि वह क्षमता और योग्यता के धनी व्यक्ति थे और उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अहम भूमिका निभाई थी। देश के स्वतंत्रता संघर्ष में उनके योगदान के चलते हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। उनके बलिदान को हम सभी भारतवासी न कभी भूले हैं और न भूलेंगे। उनके सपने तो तभी पूरे होंगे जब हम उनके बताए शांति, अहिंसा, सत्य, समानता, महिलाओं के प्रति सम्मान जैसे आदर्शों पर चलेंगे। आओ मिलकर गांधी जयंती मनाएं, अपने बापू के सपनों का भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।